रूबरू घर कर मैं आज हम मौजूद हैं माँ दक्षिणेश्वरी मंदिर एमबी रोड साकेत में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित, शुभ नाम आपका? पंडित सदानंद, एमबी रोड दक्षिणेश्वरी मंदिर न्यू दिल्ली जी। अब की बार 400 पार, ये लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप क्या कहेंगे? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ कि आज वो लोग यहाँ पर नामांकन करने आए हैं। बिदरू जी के मेरे बहुत शुभकामनाएं हैं कि आज शुभ दिन उन्हें आज माँ के मंदिर से गुजरे हैं। तो शर्मा जी, मैं यही चाहूँगा कि माँ भगवती इनको अच्छी काम दे, और मोदी जी के लिए जो लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और मेरी उम्मीद है मोदी जी के काम हमेशा सक्सेस रहेंगे। तो ये दिल्ली में नहीं, पूरी भारत के वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस बार मोदी जी का आना बहुत ज़रूरी है और हम उनकी इंतज़ार करते रहेंगे। अभी जो कई वर्षों से राम मंदिर का मुद्दा लटका हुआ था, सनातन के लिए एक बहुत शर्म की बात थी है कि अपने भारत देश में ही हमारे भगवान राम टेंट में रहना पड़ रहा है उनको, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, इसके बारे में क्या कहें? सबसे पहले मैं यही कहूँगा, राम जी के मंदिर जो है बहुत साल से लटका हुआ है, लटका हुआ था, पर आज उनको आज़ादी मिली, भगवान श्री राम अयोध्या में आगे पहुँचे। तो मैं इनके लिए मोदी जी को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज 75 साल में कोई ऐसे काम नहीं हुआ जो हिंदुओं के लिए, हिंदू धार्मिक चीज़ों के लिए, और राम जी जो अब भारत में आए हैं, जहाँ राम के का नाम हो रहा है, राम के नाम से सारे काम हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ ये राम मंदिर होके आज हिंदुओं के नाम बहुत ऊपर पहुँचे हुए। पहले हम राम के नाम पे अनाथ थे, आज राम के नाम नाचते, हम बहुत खुश हैं कि आज श्री राम के नाम से काम चल रहा है पूरी भारत में जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुभकामनाएं, और मैं इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और राम सिंह जी को भी दे रहा हूँ, ताकि वो सफलता लाभ करे और दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छी काम करके अपने नाम कमाए। बहुत बहुत जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद बना रहे भक्तों पर, पूरे भारतवर्ष पर आप संतों का आशीर्वाद बना रहे। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज, धन्यवाद। ॐ स्वस्ति नो इन्द्रो वृषभाः, स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः तारको हरिश्चनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु, ॐ पयः प्रतिज्ञां पयः ओषधे ध्वनि दीजिए एक बार, संघ ध्वनि नहीं, विजय ध्वनि है। उच्चारण बोलेंगे जो आशीर्वाद के स्वरूप में हम लोग देते हैं, मंत्रासा सफला संतो पूना संतो मनोरथा, शत्रुनाम बुद्धि नाशस्तो मित्राणाम मुद्यस्तो। ये आशीर्वाद है ब्राह्मणों की तरफ से, जनता की तरफ से, और विदुरी जी विजय होंगे। जय जय श्री राम। लाखों की संख्या में लोग हैं रामवीर सिंह विधूड़ी जी के नामांकन के लिए जाते हुए।
एक अजीब सा जोश है, एक जुनून है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है। लाखों की संख्या में लोग, यही नारा गूंज रहा है। एक अनूठा जोश, एक जुनून पहली बार जो देखने में आ रहा है दक्षिण दिल्ली प्रत्याशी के लिए, और ये जुनून पूरे देश में है। अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है।